पहला पहला ब्राह्मण कौन? शिव आते हैं तो दादा लेखराज को साक्षात्कार होते हैं, वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई, भक्त प्रवर हो गया, भक्तों में श्रेष्ठ प्रकृष्ट श्रेष्ठ प्रवर भक्त हो गया दादा लेखराज। तो वो दादा लेखराज को साक्षात्कार होते हैं और वो साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन उन्हें चारों तरफ घूमते रहते हैं, कहीं से नहीं मिलता, वाराणसी के विद्वान पंडित आचार्यों से भी नहीं मिलता। तो अचानक उनकी बुद्धि में आता है कि हमारे कलकत्ते की दुकान में एक मैनेजर है, वो बड़ा बुद्धिमान है, शास्त्रों का भी जानकार है, तो बस अपनी दुकान पे पहुंच जाते। तो जो दुकान है वो दुकान नीचे और उनका रहने का घर ऊपर, क्या कहा है, घर ऊपर था। तो वो जो ब्रह्मा बाबा का भागीदार था गरीब, ब्रह्मा बाबा की बड़ी बहन का पति माने ब्रह्मा बाबा का बहनोई, उसको उन्होंने 10 साल पहले अपनी दुकान पर मैनेजर रख लिया था। जो बात मुरली में आई है, 10 साल से रहने वाला माने कोई पुरुष था जो ब्रह्मा बाबा की दुकान में भी और बड़ी बहन के साथ घर में रहता था, ऊपर दुकान चलाता था। बाबा को तो बैराग आया तो सिंध हैदराबाद दुकान छोड़ के चले गए, भागीदार को छोड़ दी, हमारा पैसा रहा तुम्हारी मेहनत रही, क्योंकि बाबा जानते थे ये रत्नों का बड़ा भाई जानकार है, मेरे से भी ज्यादा होशियार है और सच्चा भी है। तो उसको सौंप दी दुकान, 10 साल पहले से वो बाबा के साथ रह रहा था। 36-37 में जरूर बाबा छोड़ करके सिंध हैदराबाद चले गए, सत्संग करने लगे। तो जब साक्षात्कार हुआ तो फिर कलकत्ता आए, अपनी बहन से ज्यादा कनेक्शन था ब्रह्मा बाबा का, बड़ी बहन से। क्या कहते हैं ना, बड़ा भाई बाप समान होता है, होता है कि नहीं, ऐसे ही बड़ी बहन भी बाप समान है, अम्मा समान होती है। तो बड़ी बहन को उन्होंने माँ के रूप में देखा और बहुत रिगार्ड करते थे और बहुत नजदीक भी थे। तो अपने साक्षात्कारों की बात वो बुद्धिमान भागीदार को तो नहीं बता सके, सीधा उन्होंने अपनी बड़ी बहन को बताया और बड़ी बहन, ओहो बड़ी बहन जो है वो तो भागीदार की पत्नी थी। क्या पत्नी भी कैसी, वैष्णवी रूपा पत्नी या साधारण पत्नी है? सृष्टि के आदि में भी विष्णु था, नई सृष्टि जब तैयार हुई तो आदि में सो अंत में भी, वो दोनों ही जो नरसा नारायण बना, नारी से लक्ष्मी बनी सृष्टि के आदि काल में, कलयुग के अंत में महाविनाश काल के बाद जो आदि नारायण और आदि नारायणी बनी थी, तो दोनों संस्कार मिलके एक थे कि नहीं थे, हैं? तो जो लक्ष्मी है पूरी अनुगामिनी होती है किसकी, नारायण, किसी बात में विरोध करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। तो अंतिम जन्म में भी वो विष्णु रूप ही थे, क्या आदि में सो अंत। तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो प्रजापिता से ये भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा की बात बताएं, क्या बात कि साक्षात्कार हुआ या सपना हुआ
और इसका क्या अर्थ है। तो जो ब्रह्मा बाबा की बड़ी बहन थी उसने अपनी बात अपनी घर में रहने वाली जो भागीदार की दूसरी पत्नी थी ना उसको बताया। दूसरी पत्नी को घर में क्यों रख लिया? कलकत्ते में तो जो खास वैश्या होती है उसको अलग घर बना के देते हैं। कोई भी पत्नी साउथ को अपने साथ थोड़ी रखती है। लेकिन नहीं, मुरली ने क्या बोला? मुरली में बाबा ने कुछ बोला? अरे ऐसे कैसे जवाब दे दिया? कोई डायरेक्शन दिया बाबा ने? क्या डायरेक्शन दिया? माताओं को डायरेक्शन दिया है खास। हाँ, ये डायरेक्शन दिया कि जो माताएं हैं पवित्रता को पसंद करने वाली हैं, हैं? जो दुनिया में सृष्टि चलाने का धंधा गोमूत्र का धंधा चलता है, गोमूत्र का आचरण करना, भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करना, वो कन्याओं माताओं को अच्छा नहीं लगता मोस्टली। तो वो कन्याएं माताएं जो हैं उनको क्या डायरेक्शन है शिव बाबा का मुरलियम? कि कोई माता अगर पवित्र रहना चाहती है तो क्या करे? घर छोड़ के भाग जाए या क्या करे? डायरेक्शन है कि खुशी खुशी पति को परमिशन दे दे, तुम दूसरी पत्नी ले आओ, मैं उसकी सेवा करूंगी, क्या प्यार से रखूंगी, तुम अपनी इच्छा पूर्ति करो, मेरे को छोड़ दो, मुझे भगवान की पूजा करने दो, क्या पवित्रता पूर्वक। तो भागीदार तो ज्यादा ही उम्र का था, पत्नी भी ज्यादा उम्र की थी, तो भागीदार ने मान लिया होगा। अब रही बात अलग घर बनाने की, तो पत्नी तो परमिशन दे दी कि मैं तो उस आने वाली पत्नी को अपनी छोटी बहन के रूप में रखूंगी, क्या नहीं तो अपनी बेटी के रूप में पालना करूंगी, प्यार दूंगी, उसकी सेवा करूंगी। तो एक ही घर में दोनों पत्नियां रहती थी, तो भागीदार की जो पत्नी है अव्वल नंबर की पहली वाली, उसकी तो हिम्मत नहीं पड़ी साक्षात्कार की बात बताने के लिए भागीदार को। दूसरी पत्नी जो बड़ बोली थी उसको बता दिया, क्या बड़ी पत्नी है छोटी पत्नी को बता दिया, क्या बता दिया कि ये दादा लेखराज जो है ना तो उनको साक्षात्कार हुए हैं और ऐसे ऐसे साक्षात्कार हुए, वो तैयार हो गई और भागीदार को उसने तीनों मूर्तियों के बीच में ही बता दिया, क्या क्या बता दिया कि इस तरीके से दादा लेखराज को साक्षात्कार हुए और इनका अर्थ क्या है कोई बता नहीं पा रहा। भागीदार ने फटाफट बताना शुरू कर दिया, क्या कोई किसी की बात सुने तो सुनने के साथ समझ सकता है कि नहीं? समझ सकता है, और समझने के साथ बोल भी सकता है कि नहीं? है वो बोला हुआ कोई समझे या न समझे। तो साक्षात्कारों का अर्थ, साक्षात्कार की बात जैसे ही बड़ बोली पत्नी ने सुनाई तो भागीदार के अंदर शिव बाप ने क्या किया? प्रवेश कर दिया। तो बोला है मुरली, मैं जब आता हूं अकेला आता हूं? नहीं,
तीन मूर्तियों के साथ आता। तो तीन मूर्तियों के द्वारा वो संगोष्ठी हुई। अब जो दूसरी पत्नी है बड़बोली, उसने सुनाया साक्षात्कारों की बात, और भागीदार ने सुना उसी क्षण, और उसी क्षण शिव ने प्रवेश करके उसका क्लेरिफिकेशन दे दिया। क्या क्लेरिफिकेशन? तो मालूम है कि कृष्ण बच्चे का साक्षात्कार हुआ, माना तुमको नई सृष्टि में दादा लेखराज को कृष्ण बनना है। विष्णु का साक्षात्कार हुआ, माना विष्णु की भुजा भी विष्णु रूप भी बनना है। और विनाश का साक्षात्कार हुआ, माना अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया स्वर्ग आने वाली। तो उन तीनों मूर्तियों में किसी को प्रैक्टिकल साक्षात्कार तो हुआ नहीं था, बाकी एक मूर्ति ने सुन लिया साक्षात्कार और सुना दिया। तो सुनने सुनाने का कार्य किया जो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन हो गया। कौन सी मूर्ति के द्वारा भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ गया? ब्रह्मा के द्वारा पड़ गया। ब्रह्मा तो प्रजापिता भी ब्रह्म है। कौन सी प्रकृति? प्रकृति तो दो बता दी, शरीर रूपी प्रकृति, मन अपरा प्रकृति, जो दूसरी माता थी ना उसकी बात उसने सुना भी और सुनाया भी, लेकिन समझा भी। क्या समझना? तो ज्ञान की बात है, समझ लेना तो ये आत्मा की बुद्धि की बात है। बुद्धि माने समझ, वो तो ज्ञान इंद्रियों वाली प्रकृति है ही नहीं, तो समझेगी कैसे? तो जो अव्वल नंबर की माता बैठी हुई थी ना, जो ज्ञान इंद्रिय रूपी प्रकृति की संघात है, उसे ने समझ लिया अंदर अंदर, लेकिन बोला कुछ नहीं उस समय। क्या तीनों मूर्तियों के बीच में कुछ नहीं बोला। फिर बहुत समय के बाद जब ब्रह्मा बाबा ने पूछा होगा तो उस माता ने बता दिया। कौन सी माता ने बता दिया असलियत? कौन सी माता ने बताई होगी? है पहली जो भागीदार की पहली पत्नी थी, उसने ब्रह्मा बाबा को बताया। और जिस समय बताया उस समय ओमराधे परा, हाँ परापति थी, ओमराधे भी मौजूद थी, दोनों के बीच में साथ साथ ही बताया। तो यहां फाउंडेशन पड़ गया। क्या शूटिंग हो गई के जो माता ने समझाया ब्रह्मा बाबा को कि तुम कृष्ण की आत्मा बनने वाले हो नई दुनिया सतयुग में, और विनाश होने वाला है, ये बात जो है साक्षात्कार का क्लेरिफिकेशन ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में छप गया। और जिसने बुद्धि में छाप दिया, बुद्धि रूपी पेट में ये बात डाल दी, वो हो गई माता, हुई कि नहीं? और उस माता की बुद्धि रूपी पेट में जिसने बीज डाला ज्ञान का, वो हो गया पिता। इसलिए गीता में आया अहम बीज प्रदक पिता। क्या? मैं बीज डालने वाला, ज्ञान का बीज डालने वाला पिता हूं। माने प्रजापिता भागीदार ने बीज नहीं डाला ज्ञान का, किसने डाला? है शिव ने प्रवेश करके वो बीज डाला। तो
इस तरह ये तीन मूर्तियां रचना है। क्या है? हैं? पहले ब्राह्मण की रचना। कौन है पहला ब्राह्मण? अरे पहला ब्राह्मण कौन हुआ? ब्राह्मण किसका बच्चा? ये है ना लाल वाला, दूसरा मंगा लो। है? है? ये नाम तो बाद में दिया जाता है, पहले प्रजापिता ब्रह्मा। क्या जो बीज डालने वाला हुआ वो प्रैक्टिकल में वो भागीदार सेवक राम हुआ है? तो ये जो तीन मूर्तियां हुई ये रचना हो गई, और शिव महादेव की मूर्ति में प्रवेश करके रचयिता हो गया इस सृष्टि का, साकार में बीज रूप बाप आदम, अंग्रेज लोग कहते हैं एडम। तो ये बात क्लियर हो गई। क्या प्रजापिता रचयिता है और उसके अंदर शिव ने प्रवेश करके रचना रची, तो जो रचना रची वो देवता हुए, पहले पहले सृष्टि के देवता ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो ऐसी रचना होती है जैसा बाप वैसी रचना, बाप भी साकार तो रचना भी साकार। और पहली रचना हुई ब्राह्मण की। क्या पहला ब्राह्मण कौन हुआ? कौन हुआ पहला ब्राह्मण और किसने बनाया? बनाने वाला कौन हुआ प्रैक्टिकल में? अरे वो भागीदार वो हुआ शिव। पहला ब्राह्मण हुआ प्रजापिता, प्रजापिता पतित से बना पहला ब्राह्मण। क्या ब्राह्मण है तो किसकी औलाद? किसकी औलाद? बिल्कुल बिल्कुल, ब्राह्मण है तो किसकी औलाद? ब्रह्मा कौन? कौन ब्रह्मा की औलाद है? तो परम ब्रह्म है, जो प्रकृति है वो है परम ब्रह्म, वो भी नंबर दो की प्रकृति। दादा लेवराज ब्रह्मा हुए वहीं के वहीं डरे। अरे ब्राह्मण किससे पैदा होता है? ब्रह्मा बाबा से। ब्रह्मा? अरे ब्रह्मा तो चार पांच है, कौन से ब्रह्मा से? वही परम ब्रह्म। उस जड़त्वमयी ब्रह्मा से पैदा हुआ पहला ब्राह्मण, जिसने सिर्फ सुनाया और सुना, फिर परम ब्रह्म। दो दो नाम दीजिए, परम ब्रह्म क्यों लिखा फिर? हो इन्होंने लिखा तो बिगाड़ो पहले उसे। कौन सी ब्रह्मा की औलाद है पहला ब्राह्मण? है जिस ब्रह्मा की औलाद है वो है सुनने और सुनाने वाला जड़त्व बुद्धि वाला ब्रह्म। नहीं समझ में आया कौन? हाँ
जिसका नाम पड़ता है जगदम्बा। क्या क्या नाम पड़ा? जगदम्बा। जगदम्बा बेटी है या पत्नी है? नई सृष्टि रूपी जो परिवार है उसकी जगदम्बा पत्नी है या बेटी है? जगदम्बा पत्नी है, बेटी नहीं। माना पहली पत्नी पत्नी नहीं रही। अरे विदेशी, पहली पत्नी पत्नी नहीं रही तो दूसरी पत्नी क्या हुई? अरे दूसरी पत्नी बनाई तो उसको पहली पत्नी, हाँ बेटी हुई। जैसे यहाँ दादा देखराज ब्रह्मा और उनकी बेटी सरस्वती वाक देवी, वाचा वाली देवी, बहुत बोल बोल करती है क्या, लेकिन ये नहीं समझी कि जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ मन वचन कर्म से वो भगवान का रूप नहीं है क्या। ये ब्रह्मा जिसकी शास्त्रों में, मूर्तियों में, मंदिरों में पूजा ही नहीं होती वो भगवान कैसे हो सकता? उस बेटी की बुद्धि में ये नहीं आया, माने वाचा चला दी अच्छी अच्छी। जगदम्बा सरस्वती उम्र आदि की कभी वाणी सुनी? सुनना, दम से वाणी चलाती है, दबा दब। ब्रह्मा बाबा इतना कॉन्सेंट्रेटेड होकर भी नहीं बोल पाते, वो एक पॉइंट को लेकर के धड़ाधड़ एक ही पॉइंट का विस्तार करती चली जाती, इतनी बोलने में होशियार। लेकिन वो तो दो नंबर की सृष्टि है, पहले नंबर की सृष्टि जो है वो हुई थी वो मंडले ब्राह्मणों की, और दूसरी नंबर की ब्राह्मणों की सृष्टि हुई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। उस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो दो नंबर की सृष्टि हुई ब्राह्मणों की, उसकी ब्रह्मा की बेटी है। नहीं समझ में आ रहा है? तो जो पहले नंबर की सृष्टि थी जिसे नाम दिया गया ओम मंडली आ उ म, तो उसमें ब्रह्मा कौन, आ विष्णु, उ कौन, महेश कौन, कौन ब्रह्मा कौन हुआ ओम मंडली में? अब बल नंबर ब्रह्मा कौन हुआ? तीन तीन चार चार नाम लिखता जा रहा है। अब्बल नंबर ब्रह्मा महेश हुआ, वो तो बाप हो गया, प्रजापिता हो गया। अब्बल नंबर का ब्रह्मा अपरा प्रकृति, विष्णु परा प्रकृति, दूसरे नंबर का ब्रह्मा। हम विष्णु महेश की बात नहीं कर रहे, हम ब्रह्मा की बात कर रहे। जिस ब्रह्मा से पहले नंबर के ब्राह्मण ने जन्म लिया वो ब्रह्मा कौन? अपरा प्रकृति। हाँ, जिसने सुना और सुनाया, सुनने सुनाने का काम किया है, जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा ने क्या किया, सुनने सुनाने का काम किया। बाकी अकल में उनके कुछ नहीं बैठा कि मैं सतयुग में कृष्ण बच्चा तो बनूंगा लेकिन मेरे को जन्म देने वाला बाप कौन होगा, बस बच्चा बुद्धि बन के रहेगा।
तो ऐसे ही ओम मंडली में वो ब्रह्मा कौन जिससे पहले ब्रह्मा का जन्म हुआ, ब्राह्मण साकार या निराकार? साकार। तो जो साकारी प्रकृति है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश वाली जगत तुम्हें, तो वो हुई जगदम्बा। क्या वो बेटी है कि ब्रह्मा है? तो ब्रह्मा जो ब्रह्मा कैसे हो गई? क्योंकि जो पहली पत्नी है अव्वल नंबर की प्रकृति परा प्रकृति, वो पत्नी तो है लेकिन वो आत्मिक स्टेज वाली है या देवान वाली है? आत्मिक स्टेज वाली है, बोल बोल करने वाली ज्यादा नहीं है। और ये जो बेटी पैदा हुई ये कैसी है? बोलती बहुत, ये जब तामसी बनती है तो बड़ी लंबी चीख दिखाई जाती है इसकी, महाकाल। तो ये बोल बोल करने वाली जो है ना, उसने बोल दिया और जो कुछ है बोलने के बाद सुना सो ही सुना दिया। ओ ब्रह्मा बाबा को बुद्धि में नहीं बैठा। तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ? ब्रह्मा की औलाद कौन हुआ? जो अव्वल नंबर की पत्नी है वो पहला ब्रह्मा नहीं है? नहीं, अव्वल नंबर की पत्नी पहला ब्रह्मा नहीं है। अरे हाँ ना कर दो ऐसे ही लिखने की क्या? लंबा चौड़ा लिखेगा। पहला ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा है, वो तो पिता है। पहला ब्रह्मा प्रजापिता है। अरे पिता पिता बोलते जा रहे तो अम्मा कहां से हो गई? विष्णु है पहला ब्रह्मा। अरे विष्णु तो अंतिम स्टेज है, संपन्न। जब पुरुषार्थ पूरा होगा ब्रह्मा का तब बनता है विष्णु। न प्रजापिता है पहला ब्रह्मा, वो पिता है, वो ब्रह्मा कहां से हो गए? बाकी उसकी जो पत्नी है अव्वल नंबर पत्नी, वो आत्मिक स्टेज वाली है। क्या ब्रह्मा तो विकारी दिखाया जाता है, दाढ़ी मूंछ वाला? क्या तो प्रैक्टिकल में अम्मा का पार्ट बजाने वाली बेटी हुई? जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा तो है लेकिन प्रैक्टिकल में परिवार को पालने वाली अम्मा हुई। प्रैक्टिकल में परिवार की पालना पुरुष कर्म कर सकता है? नहीं कर सकता ना। इसलिए कोई कन्या को बेटी बनाया, क्या ओम राधे को, और उसको कार्यभार सौंप दिया, तुम परिवार को पालो। ब्राह्मण परिवार को पाला कि नहीं ओम राधे ने? जब तक ओम राधे ने पाला तब तक बढ़िया परिवार चलता रहा। तो जैसे ही ओम राधे ने बंबई में कैंसर से शरीर छोड़ा, उसके बाद जो माता बन के बैठ गई वो कौन बैठ गई? माया बेटी। ओम राधे को माया बेटी नहीं कहेंगे, उसने तो प्रैक्टिकल में काम करके दिखाया। तो ऐसे ही ओम मंडली में जो पहली ब्राह्मणों की संगठन की दुनिया की रचना हुई, उसमें एक परा प्रकृति थी
जो परे से परे स्टेज में रहने वाली आत्मिक स्टेज में रहने वाली थी विष्णु रूप, विष्णु देवान होता है नहीं होता, विष्णु का मतलब ये है नो विषय काल, विषय विकार का नाम निशान नहीं, तो वो तो विष्णु रूप वैष्णवी देवी है, वो ब्रह्मा कैसे हो सकती। ब्रह्मा तो वो होता है जिसकी शास्त्रों में कोई पूजा नहीं दिखाई गई, कोई मूर्तियां नहीं बनाई जाती, कोई यादगार मंदिर नहीं बनाए जाते, तो क्या हुआ, बोल बोल बोलने वाली माता यज्ञ के आदि में थी, दो नंबर की माता। तो वो दो नंबर की माता जो है, जैसे आग के क्या कंट्रोल करने वाले हैं वसुधा को, वसुधा माने पृथ्वी को कंट्रोल करने वाले नेताएं हैं, उनमें क्या शिफ्ट होती है, क्या होशियारी होती है ज्यादा, हाँ बोल बोल बहुत कर लेते, बड़े बढ़िया लंबे चौड़े भाषणबाजी करेंगे, क्या जो गद्दी पे बैठेगा भारत देश में, हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे, हम ऐसा प्लान बनाएंगे, हम वैसा प्लान बनाएंगे, क्या पंचवर्षीय योजना एक बार बनाएंगे, दो बार बनाएंगे, तीसरा बनाते ही चले जाते हैं और नरक बनता जाता है, माना बोल बोल करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी कर नहीं पाते। तो वो बोल बोल करने वाली जो माता बनी वो बेटी बने प्रजापिता ब्रह्मा की, क्या वो बेटी जो बोल बोल करने वाली थी उसके मुख से निकला। दादा लेखराज के साक्षात्कारों का क्या सारा विस्तार निकला कि ऐसे ऐसे साक्षात्कार हुए, बोल बोल ही निकला ना। भागीदार ने प्रजापिता ने समझ लिया, प्रजापिता ने समझाया या शिव बाप ने प्रवेश करके समझा दिया, उसने प्रवेश किया लेकिन उसके प्रवेश करने का तो पता ही नहीं चलता कब आया और कब चला जाता है। तो वो सुना किसने पहले और समझा किसने पहले, सुनने के साथ समझा किसने, प्रजापिता वो ही पहला ब्राह्मण हो गया। इसलिए शास्त्र में आई बात है एको सदभिप्रा बहुधा वदंती, एक ही सच्चा विप्र है, क्या एक ही सच्चा विप्र माने ब्राह्मण, इस दुनिया में एक ही सच्चा ब्राह्मण है जिसको शास्त्रों में अनेक प्रकार से वर्णन किया है, रामायण में राम के रूप से वर्णन कर दिया है, क्या शिव महापुराण में शिव शंकर के रूप में वर्णन कर दिया है, भागवत में कृष्ण के रूप से वर्णन कर दिया है, क्या देवासुर संग्राम में महादेव के रूप में वर्णन कर दिया, वेदों में भी उसी का वर्णन है, एको सदविप्रा एक सच्चा ब्राह्मण है, उसके मुकाबले जितने भी ब्राह्मण बने नवकुनियों के कुछ न कुछ कुछ न कुछ सारे झूठे निकले। ओम शांति। अब कैसे समझाएं? तो क्लियर हो गया षष्ठी की आदि की हिस्ट्री, वो क्लियर हो गया तुरंत ही नहीं, उसी समय जिस समय त्रिमूर्ति में प्रवेश करते हैं, त्रिमूर्ति के द्वारा काम करते हैं शिव, उस समय ब्रह्मा बाबा नहीं थे मौजूद, हाँ वो तो बाद में जगदम्बा से सुनते होंगे, जगदम्बा नहीं तो हिम्मत की सुनाने की, हिम्मत की तो फिर वो बात कौन उसे पहले पहले बोल बोल कौन करेगी ब्रह्मा बाबा के सामने, अपनी होशियारी ब्रह्मा बाबा के सामने कौन दिखाएगी,
कौनली भाई को बताओ। बड़ी बहन से ज्यादा बात ही नहीं करती, उससे कोई पूछा जाएगा तभी तो बताएगी। ब्रह्मा बाबा को पहले बोल बोल करके कौन सुनाएगा, जल्दी से मैं ब्रह्मा बाबा को सुना दूं। हाँ, ना वो समझा सकती है ना वो समझ सकते हैं। वो सच्चा बच्चा, बच्चा बुद्धि, जब छोटी माँ ने सुनाया उस समय मौजूद, जहां कहीं भी है किसी आश्रम उसमें सत्संग में आई तो सुनाया। ब्रह्मा बाबा सत्संग करते थे कि नहीं, सिर्फ हैदराबाद में, तो ओम राधे आई नहीं होगी। हाँ हाँ, कलकत्ते में आना जाना करते नहीं थे ना ब्रह्मा बाबा, और कोई जरूरी है कि पहली बार में ही आ रही हो ओम राधे। जो जरूरी है कि पहली बार में ही ओम राधे को साथ लेके आ गए। हम दूसरी बार साथ लेके आए तब छोटी वो उसने अब्बल नंबर की बात सुनाया या उनसे आके पूछा, और छोटी माँ भी मौजूद थे, वो क्या नाम जगदम्बा भी वो या ओम राधे भी मौजूद थे, ओम राधे के सामने ही सुनाया गया। आपका जवाब आया उससे क्या शूटिंग हुई, ओम राधे ने आकर के ओ, 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 भागीदार की अव्वल नंबर पत्नी से सुना समझा, ब्रह्मा बाबा ने भी सुना समझा, ओम राधे ने भी सुना समझा, तो शूटिंग क्या हुई, रिहर्सल हुई ना, तो क्या शूटिंग हुई, बड़ा ड्रामा। बताना पड़ेगा ना कैसे फाउंडेशन पड़ा। तो वो शूटिंग हो गई कि यहाँ संगम युग में उन्होंने ओम राधे को और दादा लेखराज को सुनाया और उनको विश्वास बैठ गया, ये शूटिंग हो गई, ये बुद्ध रूपी पेट से दोनों का जन्म हो गया। किसके पेट से? हाँ, जो नारी से लक्ष्मी बनती है डायरेक्ट संगम में, उसके बुद्ध रूपी पेट से उनका जन्म हो गया, निश्चय बुद्धि बन गए, विश्वास पक्का हो गया कि हम दोनों को ही अब जाकर के सतयुग में एक साथ जन्म लेकर के राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। ये ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग हो गई, संगम युग में शूटिंग हो गई।